कैसे हैं आप? आई होप बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे और सुरक्षित होंगे। सो गाइस, मेरा जो सुबह का काम है मॉर्निंग सभी हो चुका है, मैंने सभी फिनिश कर लिया है बच्चों के आने से पहले, और मेरा लंच भी बिल्कुल रेडी है, बस बच्चे अब आने ही वाले हैं। 1 बज गया है, तो 1 बजे ही उनका इस छुट्टी होगी स्कूल से, तो आने वाले हैं, बस आवाज़ आ रही है। और बस जब वो आ जाएंगे उसके बाद बस मुझे रोटी बनानी है, मैंने और सब तैयारी कर ली है, तो देखते हैं। बच्चे आ गए हैं। हाँ बेटा, हम आ गए। ओके, चलो बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ आपको आज बच्चों का रिएक्शन कैसा है स्कूल से आते हुए। तो ये यहाँ पर मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और देखिए कितनी जल्दी जल्दी भाग भाग कर आ रहे हैं। बैग भी इतना हैवी है बच्चों का कि उठाया नहीं जाता बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे हैं और बैग इतने भारी भारी। और ये मेरे प्यू थोड़ी सी परेशान है, काफ़ी दिन हो गए थे स्कूल गए हुए। आप भी बताओ, आपको कैसा लग रहा है देवांश बाबू? अच्छा लगा आपको स्कूल में? आज पता नहीं क्यों भेजा इन्होंने पार्क में लंच से पहले। अच्छा, ऐसे घूमने खेलने के लिए भेज दिया होगा, लेकिन थर्ड क्लास को ही भेजा और किसी को? ओके। और हमने फुटबॉल की भाई, फुटबॉल बिल्कुल अच्छी लग रही थी, हमने उसको कीचड़ में गिरा गिरा के, मतलब गलती से गिर जा रही थी, और इतनी किक लगी उस बेचारी बॉल को, उसके पुर्जे अलग हो गए, फट गए। अच्छा, इतना किक किया आपने उसको फुटबॉल को? बहुत, सब खेल रहे थे मेरे क्लास वाले, सब बॉयज खेल रहे थे, गल तो अपने धुंधले में लगी हुई थी, और हमने इतनी किक मारी, मैंने तो कम से कम 1000 मारी थी। अच्छा, पैर नहीं दर्द हुआ आपको? मेरे को पैर दर्द नहीं हुआ आपको? इस बार सैंडल न छुआ, मेरे ये अंगूठे नहीं हुए। अगर मैं नंगे पैर से पानी नंगे पैर खेलता हूँ ना, तो बहुत ज्यादा ही लगती है। अच्छा, और आप ऐसे क्यों बैठे हो मेरा बच्चा? आप ऐसे क्यों बैठे हो? आप नहीं बोलोगे कुछ भी, ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? आप सभी काम हो गया है दोपहर का, बच्चों ने भी खाना खा लिया है, और मैंने किचन भी साफ कर दिया है, और बर्तन भी सब साफ हो गए हैं। तो अब बच्चों का मुझे कराना है होमवर्क, तो देख लेते। मैंने बोल दिया था कि खाना खाने के बाद अपनी बुक्स और कॉपीज लेकर बैठना, होमवर्क करने के लिए मैं आ रही हूँ, होमवर्क कराऊंगी आपको। जब मैं खाना खा रही थी तो अब वो करने लग रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं, होमवर्क हो रहा है या मस्ती हो रही है दोनों की, तो चलिए देखते हैं। हमारा होमवर्क करवा दो। ओके, और ये देखना अपने बाल बेइज्जती हो आगे पीछे पीछे रहता है, पीछे पीछे। आप तब क्यों नहीं बोले थे? मैं रो रहा हूँ। आज आपको जरूरत से ज्यादा ही काम मिल गया। इस रोने के लिए भाई, इस वीडियो में गंदा लग मेरा चैनल तो अच्छा लग रहा है, पर मेरी मम्मी का चैनल ऐसा मत करना। भगवान जी की वीडियो भेजी थी मम्मी ने, और किस बंदे ने उसको ऐसे कर दिया, ये ठोक दिया। कौन था भगवान को ऐसे थोड़ी करते हैं? कर लेने दो बेटे, ये तो अपने अपनी सोच होती है। होने तो बेटे, उनके लिए तो नाराज होंगे ना, आप मत करना किसी की भी वीडियो में ऐसे, क्योंकि सभी में हाँ उनको ही देंगे ना, हमें थोड़ा ही देंगे। आप गंदा करोगे और मम्मी को पाप मिलेगा। नहीं बेटा, आप किसी की भी वीडियो पे मत करना गंदा लाइक, और ना अच्छा। हाँ, क्योंकि सभी मेहनत करते हैं बेटे, सभी को इसमें बहुत टाइम देना। हाँ बेटे, मम्मा भी करती है, तो जो भी यूट्यूब करते हैं वो सभी मेहनत करते हैं, वो सभी, उनको बहुत टाइम लगता है। गाइस, यहाँ पर मैं बच्चों का होमवर्क करा कर फिर किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए, और शाम हो गई है, 4 बज गए हैं, तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, उनको मैंने दूध दे दिया था, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, और उसके बाद चाय पीने के बाद मैं बाकी का काम करूँगी। सो गाइस, शाम का सभी काम करने के बाद अब डिनर की
हो गई है तैयारी। तो डिनर में आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, और ये मैंने ऑयल में जीरा ऐड कर दिया है, और फिर जो प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर दिया है, और साथ में ही नमक भी ऐड कर दिया है ताकि जल्दी से जो पेस्ट है सॉफ्ट हो जाए। और फिर उसके बाद मैंने सभी मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी गरम मसाला धनिया पाउडर और चंकी चाट मसाला, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है और अच्छे से ये तड़का तैयार हो जाए। और पानी नहीं ऐड करूँगी मैं, और एक सीटी लगाऊँगी बस कुकर में, गोभी घुले नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए ये मेरी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है, देखिए अलग अलग है आलू भी और गोभी भी बिल्कुल नहीं मिक्स हुए हैं। और ये देखिए एकदम से कितनी तेज़ बारिश हो गई है, और बाहर बहुत अंधेरा है, लाइट तो आई हुई है, और डिनर भी हमारा सबका हो गया है। तो यहाँ पर मैं ये बर्तन साफ कर रही हूँ, और बारिश तो काफ़ी देर से हो रही है, एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई है, कई दिन से तो 2-3 दिन से गर्मी भी हो रही थी, इस बार बारिश भी अच्छी हो रही है, 2-3 दिन में हो ही जाती है, तो अच्छा मौसम रहता है, थोड़ा ठंडा सा भी हो गया है। और सो गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।